दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, बाकी गांव के माटी के बांध के रखे वाला माई का पर्व छठ पूजा आ रहा है। समय के साथ सब कुछ बदल गया है, बाकी छठ ही एगो ऐसा महापर्व है जो अब तक से देश से लेके विदेश तक मनाया जा रहा है। गाना सुनते घर का याद आता है, घाट का याद आता है, याद आता है पेरी धोती और माई के हाथ का रोटी। सोना हमको याद आता है जब बिजली बत्ती का ज्यादा चलन नहीं था ना, तो ये घाट तक से लाइट के व्यवस्था करने के लिए किरासन तेल से भरल माटी का डिबरी का उपाय होता था। उस जमाना में यही लाइट के झिलमिलाहट को देख के मरकरी और बल्ब वाले लोग भी लजा जाते थे, और सारा डिबरी लाइट का व्यवस्था अपने तूफानी चाचा दहियाव मोहल्ला के सारा नवही लोग को ललकार के करते थे। अब घर से बाहर वो डिबरी, वो झिलमिलाहट, वो ललकार याद आता है। अब ना वो झिलमिलाहट है, ना डिबरी है, और ना ही वो ललकार है। एक बार छठ में जाते तो अपने हाथे घाट सजाते, मरकरी लाइट लगवाते और एक कबेरी दूध बटवाते। पता नहीं मन में का का प्लान किए थे। देखिए हमारा तो आज वो मन है कि नाइटे कोनो फ्लाइट धके सीधे पटना पहुंच जाए। वो लगता है कि दो चार रुपये अधिक कमाने के चक्कर में कहीं कुछ ना कुछ तो कमी होते जा रहा है जिंदगी में। कबो दशहरा छूट जाता है तो कबो दिवाली। देखिए वो आदमी बड़ी किस्मत वाला होता है जेकर दशहरा, दिवाली, छठ तीनों घर पे होता है। हम 9 साल से होली में घर नहीं गए हैं, क्या है कि हमारा बॉस बोलता है कि होली के छुट्टी जाओगे तो छठ नहीं मिलेगा और दशहरा में जाओगे तो दिवाली नहीं मिलेगा, तो दिवाली या छठ। अब उनको हम कैसे बताएं कि छठ पर्व नहीं महापर्व होता है हम लोगों के लिए। हमारी माई बिना ब्रेक के 3 दिन 3 रात अनवरत व्रत रखती है, जल तक ग्रहण नहीं करती। ये सब छठी माई के महिमा है कि छोट छोट लड़का सबके गोद में भी शक्ति आ जाता है और लड़का टुनटुना टुनटुना के एक सूर्य नाश्ते गाते घाट पे पहुंच जाता है। काहे कि कोनो भी दुआ छठी माई के ठेकुआ से बढ़ के नहीं होता। वो दिन सूर्य भगवान का अर्घ धरती पे सरक के समान होता है। हम नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूरोप के चक्कर में हमारा सारा पर्व छूट जाए। टिकट, पासपोर्ट, वीजा सब रेडी है, बाकी बॉस रेडी नहीं है छुट्टी देने के लिए। इसके है तो ही बड़ बड़ शहर में आके लोग अपने पर्व तीज में गांव जाने के लिए अखर जाता है। काले मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि घर नहीं आओगे। हम माई को बुलवा दिए, मम्मी बहुत काम है, नहीं आ सकते। उनको कैसे बताए कि और हम भी आना चाहते हैं, छुट्टी मिले तब तो। हमारी माई कहती हैं कि फूल के बिना फुलवारी और बेटा के बिना महतारी उदास रहती है। ये बात जब से वो बोली है ना, तब से टीस मार रहा है, करेजा कूंक रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारा माइग्रेशन के चक्कर में पर्व त्योहार के सेलिब्रेशन खत्म हो रहा है हमारा। हमें यही से पहले ही बता दिया है माई को कि हम इस बार छठ में नहीं आ पाएंगे, मना लेना। छुटका को भेज के बाजार से सेव, संतरा, ऊख, फल सब मंगा लेना। दौरा के लिए राहुलवा को बोल दिए हैं, वो दोनों बेरा के घाट पे पहुंचा देगा। एक बार हमारा नाम पे ना दू को कोसी भर देना, ताकि अगला बार हमारा कम से कम छुट्टी मिल जाए। छठ के बाद जब रविशवा घर से आएगा ना, तो ओकरे हाथे प्रसादी भिजवा देना। दू को ठेकुआ ज्यादा रख देना, आ जाइया बहुत खाता है ना। बस समझ लेना कि इस बार घाटे नहीं जा पाएंगे तुम्हारे साथ। बाहर में बड़ी जिम्मेवारी है, वो कोई समझ नहीं पाएगा ना। अब देखिए ना, हमको परियार सर वाला भी छठ का दिन याद है। यही छठ के दिन वाला औरत देने के लिए हमारी माँ डांड भर पानी में खड़ी थी। उनको नहीं लग रहा था कि हम आएंगे। हम बिना बताओ ले अचानक से सीधे घाट पे पहुंच गए। हमारी अम्मा तो बस हमको देख के खुशी के मारे रोने लगी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस जितना घोंट के रखी थी उतने बाहर आ रहा था और उनके आंख से हररा हररा के लोर निकल रहा था।
बस यही बात समझ में आया तभी कि जितना हम छठ में घर जाने के लिए परेशान थे उससे कहीं ज़्यादा परेशान हमारी माई थी। हम जानते हैं कि हम घर नहीं जा पाएंगे और माँ फिर से कलेजा पे पत्थर रख के छठ मनाएगी। ठेकुआ और प्रसादी छानने के समय उसका दिल कचोटेगा, फिर से अमर लमहर जाकर जिंदगी खाती कोसी भरेगी। यही कार्तिक के ठंडा पानी में डांड भर सुबह में और शाम में घंटों खड़ी रहेगी, रात भर जागेगी और हमको याद करेगी। ये जो बेचैनी है ना वो दोनों तरफ है, उधर माँ मन कचोट के छठ करेगी और इधर हम सिसक सिसक के कंप्यूटर के कोने में रोएंगे। इसलिए कुर्सी पे बैठे उन तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर आप छुट्टी दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि ये कार्तिक के अंजुरिया का जो छठवां दिन है ना वो पूर्वांचल बिहारियों के लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, जिंदगी है, सांस है और पहचान है। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई। मुस्कुराइए कि आप अपने गांव में हैं, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के साथ में, अपने देश में हैं, परदेश में नहीं। साथ ही साथ वायरल कलाकार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, वो छठी मिले सबको ही घर जाए। जय छठी मैया।